दौरान दूसरे प्रदेशों से आए बिहारी मजदूरों को रोजगार देने की योजना काफी धीमी चल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन अब तक केवल 2 जगहों पर ही इसकी व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार मामलों को लेकर मेवालाल ने इस्तीफा दिया था। वहीं अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। मसौढ़ी में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दरियापुर गांव में कोरोना संक्रमण से एक इंजीनियर की मौत हो गई है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में जिले में 17 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। अरवल जिले के करपी खेल मैदान में नेटबॉल चैंपियन फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सहित जिला परिषद के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। वहीं एक मैच के उद्घाटन मुकाबले में अरवल की टीम ने करपी को शिकस्त दी। रोहतास जिले के इंद्रपुरी इलाके में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की संतान और पत्नी ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान आलोक शाह के रूप में हुई है। वहीं आरोपी पुत्र और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आ रहा है कि वो मर गया, उसको जला लोग भेज दिए। ऐसा ही हवा मिली तो हम लोग पूरे गाँव के लोग गए तो उसके घर में देखे कि ताला बंद था। लोग इसके बाद पुलिस तत्काल आई, अपना कार्रवाई की, तो कार्रवाई कर ही रही थी पुलिस तब तक मेरे घर पर ये सब जो अभियुक्त हैं मेरे घर पर आए, बोले कि सरपंच साहब मेरे यहाँ पुलिस आई है। तो मैं बोला कि भाई अगर तू लोग निर्दोष हो तो डरते क्यों हो। गया जिले के विभिन्न जगहों पर सनातन धर्म परंपरा के अनुसार आंवला पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बोधगया सनातन धर्म मठ के अंदर आंवला पूजन करने वाले लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। वहीं धार्मिक मान्यताओं की माने तो आंवला पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। औरा की तरह बहुत महत्व है, सब मन की इच्छा भी पूरा होता है यहाँ आने से, सुखी शांति के लिए, सुखी शांति, घर परिवार भी शांति रहता है, हर साल आते हैं। आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी जो तिथि है, आज के दिन अक्षय तिथि है, इसका कोई क्षय नहीं होने वाला। आज के दिन कोई भी अगर आप शुभ काम करते हैं उसका पुण्य हजारों लाखों गुना करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन विशेष महत्व है भुआ का दान, जिसमें कुछ रजत सामग्री डाल के स्वर्ण सामग्री डाल के ब्राह्मण को दान देते हैं, तो आपको नरक जाने से जो नरक के जो हमारे हैं कई प्रकार के जो नरक हैं वह नरक में नहीं जा सकता है व्यक्ति,